बाबूजी पानी। फिर कहाँ जाता था? सब बिहने बिहने तैयार हो गए। फिर कहाँ जाता था बेटी? कहाँ पर रखो बाबूजी? माँ, बाबूजी, मैं हाँ ऑडिशन दे बाजार। बात दिन तो आज फिर होना जाना कुछ नहीं। यहाँ ले खासा जाता था और वहाँ ले रोवा था था। मत जा बेटी, मत जा। तूर कला की कदर करिया कोनो नहीं। नहीं बाबूजी, एक ना एक दिन मोर सपना जरूर पूरा होगी और देख ले मोर कला के कदर जरूर होगी। रहन दे तो सपना, हमार सपना कब पूरा होगी? हमरो तो एक सपना है तो हाथ में हरदी लगाए के। ये तो हमारे के जन बेटी ना हम ना तोर बार एक जन लड़का देखिए तोर बिहाव हो जाती तो हमरो पाप धोवा दे। नहीं माँ, मैं बिहाव नहीं करना चाहूँ। अतेक दिन की मोर मेहनत पूरा बेकार हो जाएगी। देख बेटी, का हमन नहीं जाने तोर सपना ला? हमन नहीं चाहन कि तोर सपना पूरा होए। फिर ये दुनिया वाला मन है? नहीं बाबूजी, ये मोर आखिरी बार है। माँ ला समझाना बाबूजी। माँ, बस एक बार माँ, बस एक बार जावन देना वो। हाय वो, हाय माँ, एक बार जान देना बाबूजी। चल फिर सुन, ये आखिरी बार, एक बार जैसन हमन कबो तोला कर देना पड़ी। ठीक है बाबूजी। पाँव पर रखो माँ, खुशी रखो। ये ठीक है बेटी, भगवान चाहे कि तो सपना जरूर पूरा हो। ले जा, ले तमाम मैं जा तो अब पर देरी होगी। बाय, जल्दी आवे ना। जल्दी आ जाए बेटी। हे भगवान, वो बेटी के सपना ने देरी पूरा जरूर कर दी। अत्यधिक मेहनत की उन हार लेकर उखर कला की कदर करिए कोनो नहीं। हे भगवान, ये बार में होला हासत खेलत देखना चाहता। हे भगवान, भगवान के घर देर ही अंधेरे, भगवान सब पूरा करे। देखवे ये बार हासत आई। हे भगवान, वो इसमें छोड़ दे। अरे किरण, काय करत रहे यार, जल्दी चल, ऑडिशन के लिए बहुत लेट हो चुके ना मना। तो काहे ना माँ बाबू जी हम आए बन नहीं देते, ये देख के मना हो तब मुझे आए बन दी। हाँ चल चल, कोई बात नहीं, जल्दी बैठ। लास्ट ऑडिशन है, अगर एमएम और सिलेक्शन नहीं हुई ना तो मैं कभी ऑडिशन नहीं दे पाऊँ। काबर नहीं हुई किरण, ये बार मैं अच्छा तैयारी करके आया हूँ और जब दोनों की तैयारी अच्छा है तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। ये बार चिंता करे की कोनो बात नहीं है। नहीं प्रकाश, मैं अपन माँ बाबू जी का वादा करके आया हूँ, अगर ए बार मोर सिलेक्शन नहीं हुई ना तो मोर माँ बाबू जी मोर बिहाव करा दी। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मोर बिहाव है। नहीं किरण, अगर भगवान चाहे तो एक बार तो सिलेक्शन पक्का है, ऐसे मुझे लगता है। हे माँ, ये मोर आखिरी ऑडिशन है, बस एक मौका दे दे माँ, ये सब तोरे हाथ में है, बस एक मौका माँ। हे माँ दुर्गा, ये बार मोर सिलेक्शन होए या मत होए, लेकिन किरण के सिलेक्शन जरूर करवा दे दे माँ, बस अब कुछ विनती है माँ तोर से। और भाई ऑडिशन चालू हो गई का? दिखा भाई। तुम्हारे
बढ़िया हो ना। चल किरण। मेरा नाम नरसिंह सेन है, मैं ग्राम देवकर से आया हूँ। मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ सर। काले पीले रोकने का नहीं, दारू पियो तो मुझे टोकने का नहीं। मैं थोड़ी लड़िंग लाड़ंग हूँ। मेरा नाम है रतन नूरा। मेरा काम हो गया पूरा। सबको मेरा प्रणाम। मोर नाम मनीष साहू है। सब जन बोलते मोला ये बेकार है। अरे कोई मुन्नर झांक के देखे है? दुख के बात तो है, इंसान इंसान के दुश्मन है। यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़े, आदमी आदमी जल थे। आज कुछ करे बर जाबे तो पहली कहा है ये पूछते, कहा करे से ये पूछते, ये नहीं देखे कि वो मेहनत कहा करता थे। गुस्सा ये पास नहीं है कि हमन कुछ नहीं है, हमारा मौका नहीं दिस, हमन कुछ करे बराहन पर कुछ कर नहीं पाए। काबर कभी नहीं सोचे इसके कुछ कर पाई, कुछ आगे बढ़ पाई। मेन बात मौका के है, एक बार हमारा मौका मिल जाए ना हमन कुछ करके दिखा सकते हैं। जय जवान। हाँ सुमन, कैसे हंसते हैं? ठीक तो हंसना। अच्छा का बोलेसते हैं? दहेज 50,000? चल ठीक है, मैं व्यवस्था करा था और जल्दी आता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ भाई राजू, मुला अर्जेंट 50,000 की जरूरत है यार। हाँ भाई, एक बार हेल्प कर दे यार, प्लीज़ भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यार। ठीक है भाई। हाँ सुमन, मैं आता हूँ, व्यवस्था हो गई है, तेरा चिंता जन कर। ठीक है, हाँ मैं तुरंत आता हूँ, अब भी आता हूँ। हाँ ठीक है। सुमन, ये जले के बदबू कैसे आते? सुमन तो यहाँ कैसे सोहस? सुमन ते कुछ बोलत कैसे नहीं है? सुमन सुमन मेरी बहन। सुमन वो दरिंदा मन तो दहेज की लालच में मार ड्रीस मोर बहन। सुमन मोर बहन। मोर नाम किरण है और मैं धमतरी से आ हूँ। माया का मैं नहीं करो तोड़ से माया, महू तो तोड़ से माया कर थो ना मुकेश, लेकिन मैं का करो? तय तो जान थस ना
मैं मोर माँ बाप के एक ही जन बेटी हूँ, अब मोला एक बेटा के फर्ज अदा करना है। अगर तोर नजर में मया शादी करो बच्चा पैदा करो, मोला नहीं चाहिए ऐसा मया, मोला नहीं चाहिए ऐसा मया मुकेश, मोला नहीं चाहिए ऐसा मया, मोला अपन माँ बाबू जी की सेवा करना है। पायल साहू कौन है? हाँ सर। सर बुलाए हैं। जी सर। हमको डर लगा यार, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं। राहुल यार मैं सेलेक्ट हो गया। सच में तू सेलेक्शन हो? हाँ। अरे यार ते तो हीरोइन बन गए यार। हाँ यार, अब मैं भी हीरोइन बनूँ यार। पक्का कॉम्प्रोमाइज करे भाई, तेरे से तेकर सिलेक्शन हो। अरे सुन, तेकर सिलेक्शन हो गए। किरण नारंगी कौन है? किरण नारंगी। हाँ सर बुला रहे हैं। जी जल्दी आओ। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए बैठिए। वैसे आपका नाम किरण है ना? जी सर। अच्छा वैसे आपका एक्टिंग बहुत अच्छा रहा। ये क्या हरकत है? क्या तुम ऐसी हरकत करके स्टार बनना चाहती हो? अरे मुझे ना तुम्हें स्टार नजर आया था, लेकिन तुम जैसे लोग ना इस फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर चुके हो। तुम्हारे जैसी घटिया सोच को मैं ना बदलना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? गेट आउट, निकलो बाहर। हाँ सर कहाँ होगी? हाँ सर कहाँ होगी? कहाँ? हाँ सर। जी सर। तुम्हारा रोल चाहिए ना? जी सर। जी सर। जी सर। क्या बोलते कुछ करेल पढ़ी? हाँ सर। हाँ सर ठीक। बताओ ना सर क्या करना है? बात तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम्हारे हाथ में। हाँ सर। तुम्हारा रोल दिवाए के जवाबदारी मोरे। बस रोल मिल जाए सर। हाँ होकर टेंशन मत लो, वो सब मोर हाथ में। कितना पैसा लगी सर तेल बता दे? 20,000 रुपए लगी। थोड़ा बहुत कम कर दो सर, एकात कर। नहीं है मैं नहीं हूँ। थोड़ा तो नहीं, थोड़ा से सर, कम से कम 2,500-3,000 तो कम कर दो सर। नहीं हो सकता, एकात कम कर दें सर। लो सर तो मैं लाच छो, ये 10,000 है सर। ठीक है 3,000 कम कर दो। लेना सर। ले भाई मोर में जो रोल चाहिए वो मैं दिला दूँ। ठीक है पक्का सर? पक्का। मैं 10,000 हवे बाकी कॉलेज दूँ। ठीक है ठीक। मैं तो लंगर पैसा ला के दूँ सर। हाँ ठीक है। किरण कहा हो के कुछ बता दे। कहा बताओ प्रकाश, वो तो बीच में भी खराब है। और कहने का मतलब क्या है? ऐसे मोरे साथ ही काम रोते हैं। कहा हो के तोर साथ? तो बोले का मतलब का है? और ऑडिशन में तो साथ कुछ गलत होएगा किरण, अगर मोर बात सही निकलीस जिंदा गड़ा दूं मल्ला। नहीं प्रकाश, ऐसी बात नहीं है। तो
तो फिर क्या बात है? उमर बाजू में बैठी लड़की देखना वो हीरोइन ना एक नंबर लगा थी का ठाड़ बाट है यार काश महू ओकरे जैसे बनते हूँ चुप रे ओकर जैसे करबे तो तहु ओकरे जैसे बन जैसे करबे मतलब मोर बोले के मतलब ए है कि अपन एक्टिंग से नहीं सर मनसन कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़े देखत नहीं हस कैसे चिपक के बैठे तेला वो मला देख देख के कैसे मुचमुचात है तेला का के हैस हाँ ये सही है कि डायरेक्टर मन से कॉम्प्रोमाइज करके ही हीरोइन बने हैं तो ये में का है ये तो अंदर की बात है कौन जाना थी मोला भी बोली कॉम्प्रोमाइज करे बस मैं भी कर लूँ का बात है यार का ठाड़ बात है बंगला गाड़ी जिंदगी जी एक मजा ही आ जाए यार तो मैं तो कुछ भी करे बते यार मैं यार एक बार मोला हीरोइन बनना है मतलब बनना है यार सही बात हमन कितना बार ऑडिशन देन अच्छा से अच्छा करके दिखान फिर भी हमन मन के सिलेक्शन नहीं हुई से तोर गोल मोल बात मोला बिल्कुल समझ में नहीं आते जो भी कहना है साफ साफ बता इते का सोचा था किरण अगर तोला आगे बढ़ना है ना तो तोला कॉम्प्रोमाइज करेला पड़ी नहीं नहीं मैं अपन एक्टिंग और मेहनत से आगे बढ़ू वो अपन सपना पूरा करूँ अगर ते सोचा था बस ना कि ते तो कला से आगे बढ़ जाए तो ते गलत सोचा था आज के जमाना में कला नहीं पैसा अब कॉम्प्रोमाइज के जमाना है अगर इधारी में अच्छा एक्टिंग करूँ तो मैं काबर सेलेक्ट नहीं होऊँ हाँ हाँ जानाऊ कर ले अच्छा एक्टिंग तोला तो पता है ना ते तो कई बार अच्छा एक्टिंग कर उसका बावजूद तो सेलेक्शन नहीं हुई हाँ नहीं हुई तो का हुई इधारी जरूर होगी तोला का लगते किरण बिना कॉम्प्रोमाइज के तो सेलेक्शन हो जी नहीं हो किरण नहीं हो फिर मैं अपन इज्जत लगवा के सेलेक्ट होना नहीं चाहत हूँ हाँ हाँ मोला का करना है फिर तोर सपना के का होई फिर तो तोर माँ बाबू जी तोर बिहाव करा दी ना फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकूँ मोला का है जो हकीकत है ओला मैं बता दे हूँ ऐसे मुझ से नहीं हो सके मोर बात मान ले किरण मोर बात मान ले फिर मैं ऐसा नहीं कर सकूँ मोर बात मान ले किरण मोर बात मान ले नहीं ऐसे मोर से नहीं हो सके मोर बात मान ले किरण मोर बात मान ले मैं एकरे से भी गलत कर बैठे हूँ हे भगवान ये ते का कर तोला मोर जरा ही परवाह नहीं हुई ते एक बार भी नहीं सोचे इसकी तोर बात मोर का होगी मैं का बताऊं प्रकाश मोर सपना ही मोर जुनून बन गिरी एकरे से ती मोला नहीं जीना है ये कब बुझ दी है यही तो सपना यही चाहत रिश्ता है बोल किरण बोल सर ये तो वही लोग हैं जो आज हमारे ऑडिशन में आए थे हाँ है तो फिर हमें क्या करना है चलो नहीं सर मुझे लगता है ये लड़की कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश कर रही है ड्राइवर जरा गाड़ी रोको जाओ साहब जाओ आप बड़े लोग हैं और हम छोटे कलाकार हम अपनी कला को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं लेकिन आप जैसे दरिंदे की वजह से हम यहाँ आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो अरे क्या हुआ कुछ बताओगे भी प्रकाश इनकी कोई गलती नहीं है तुम चुप रहो बस ये आ गए एक और कला के पुजारी जो अपनी हवस से कला का बलात्कार करते हैं आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वही जो आप लोगों का असली रूप है गोली भरी लड़कियों का यूज करके अपने आप को कला का महाराज भी समझते हो बकवास बंद कर प्रकाश प्रकाश ऐसा बात नहीं है प्रकाश नहीं किरण इन जैसे लोगों को तो चौराहे पर खड़े करके जूतों से मारना चाहिए आखिर जानते क्या हो मेरे बारे में तुम जैसे लोगों की वजह से ना फिल्म इंडस्ट्री गंदा हो गया कोई भी कलाकार अपनी कला से आगे बढ़ता है न कि जिस्म दिखाकर जरा पूछो इनसे जो मेरे सामने कपड़े उतार रही थी क्या ये लोग सही बोल रहे हैं सर सही बोल रहे प्रकाश क्या हे भगवान ये क्या हो गया सर प्लीज सर हम
आपसे गलतफहमी हो गई सर। सर इसमें गलती की कोई गलती नहीं है सर। सर प्लीज़ सर हमें एक मौका दे दीजिए सर, प्लीज़ सर। सर हमने कई बार ऑडिशन दिया सर, सेलेक्ट भी हुए, लेकिन मैं पैसों के दबाव में और ये कॉम्प्रोमाइज़ के दबाव में, उनके ऊपर दबाव बना गया कॉम्प्रोमाइज़ का, इसलिए हमने सब ठुकरा दिया सर। और असल बात यह है सर कि ये लड़की अपने घर में अपने माँ और बाबू जी को वचन देकर आई कि इस ऑडिशन में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इनकी शादी कर दी जाएगी सर। इसी कारण हम गलती कर बैठे। देखो किरण, जो अपना जिस्म का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो इसी दलदल में है। और तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग सुपरस्टार हैं, जो ऐसी हरकत करके आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है किरण। वो लोग अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़े हैं। होंगे कुछ लोग, लेकिन इतना जान लो, जिनकी नींव दलदल में हो ना, वो मकान कभी मजबूत नहीं होती। और जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अपने किए हुए गलतियों पर मिट्टी डालो और आगे मेहनत करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारी आने वाली मूवी के लिए तुम दोनों सेलेक्ट करो। अगर तुम दोनों का एक्टिंग अच्छा रहा तो मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को बहुत ऊंचाई तक मैं लेके जाऊँगा। लेकिन आप लोग अपनी कड़ी मेहनत और अपनी ईमानदारी से काम करना। तुम दोनों ऐसी हरकत दोबारा कभी मत करना। और जाओ अपने घर। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। साथियों, आज के इस अवार्ड फंक्शन समारोह में मैं आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आज के इस फंक्शन समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, जो आज के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैं उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ पुरस्कार वितरण समारोह में। आप सबके चाहते स्टार को बुलाने जा रहा हूं जोरदार तालियों के बीच, मिस्टर हरीश देवंगन जी को। साथियों, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री ला आज आगे बढ़ाए में साथ दे थे, और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के बोली भाखा ये सब ला मर्यादित रखे है। एकल्य भी मैं डायरेक्टर सर जी मल्ला, प्रोड्यूसर सर जी मल्ला और हमारे इंडस्ट्री के जम्मू नया संगवारी जम्मू कलाकार मल्ला तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब इसके बाद आज के सुपरस्टार मिस्टर प्रकाश ओझा जी को बेस्ट एक्टर के रूप में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली वहां पर बैठ के मैं ताली बजा रहा हूँ सबके लिए, और वही ताली आज वापस आप सबके आशीर्वाद के रूप में मिलत है। और कहीं ना कहीं मोला इसे लागत है कि मोरो एक पहचान बन गए, और आप सबके आशीर्वाद के बिना ये संभव ही नहीं रही से कि मैं यहाँ आके खड़े हो पाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, तो आपको एक ऐसे एक्ट्रेस से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने एक नया पहचान बनाई है, मिस किरण नारंगी जी। माइक प्लीज।
जी जी जरूर। सॉरी सर, इस अवार्ड के असली हकदार मैं नहीं, कोई और है। वो है श्री लखन देवांगन जी, जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर पहुंची। प्लीज कम ऑन द स्टेज श्री लखन देवांगन जी। सर एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि कोई भी कलाकार तभी सफल होता है जब उसमें कुछ करने की जुनून हो, दृढ़ संकल्प हो। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के प्रति समाज में एक ऐसी धारणा बन गया है कि कुछ ऐसे वैसे गलत काम होता है। समाज में फैले इस भ्रम को हमें दूर करना है। अगर आप अच्छे कलाकार हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको किसी गलत काम के प्रति भटकना नहीं है। समाज में फैले ऐसे भ्रम को हमें दूर करना है। इस भ्रम के कारण ही हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में महिला वर्ग की कलाकार की बहुत कमी महसूस होती है। पर क्यों, ऐसा क्यों? हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, चाहे चांद पर जाने की बात हो या फिर किसी राजनीति में, सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में क्यों, ऐसा क्यों है? मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके बच्चियों को जो उसका मनपसंद क्षेत्र है, चाहे कला क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जरूर भेजिए। उसका भी सपना पूरा होना चाहिए। वो भी कुछ करना चाहती है, कुछ आगे बढ़ना चाहती है, अपने कला को दिखाना चाहती है, लेकिन इस गलत भ्रम के कारण वो अपना कलाकारी को अंदर दबा कर रख लेती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, पुरुष और महिलाओं में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि इस क्षेत्र में विशेषकर महिलाएं आगे आने चाहिए ताकि समाज और आगे बढ़े। जब एक लड़की चांद पर जा सकती है, कलेक्टर बन सकती है, राजनेता बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, तो इस कला क्षेत्र में अपनी मान सम्मान क्यों नहीं बना सकती? कलाकार शब्द ही काफ़ी है इसको परिभाषित करने में। हमें अपनी कलाकारी दिखाना है, कार पीछे पीछे दौड़े चले जाएगी। आज इस पुरस्कार सम्मान समारोह में जो पुरस्कार इस लड़की को प्राप्त हुआ है, वो इसके कलाकारी को दिखाता है, इसके संघर्ष की कहानी है, इसके जुनूनियत और इसके संघर्ष कारण ही इसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंत में मैं अपने आने वाली फिल्म रोमियो गवई के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसी फिल्म, बहुत ही पारिवारिक कॉमेडी, मार धाड़ और एक्शन और साथ ही साथ सस्पेंस से भरा हुआ है। ये फिल्म देखने में आपको और ही बहुत मज़ा आएगा। इस फिल्म में गुलशन साहू, हेमा शुक्ला, उपासना वैष्णव, ललित उपाध्याय, उर्वशी साहू और मैं स्वयं विधायक की भूमिका में हूँ। साथ ही साथ यश ओझा, मनीष साहू, शिल्पा मानिकपुरी और प्रतिभा चौहान भी हैं, जो आपको एक साथ देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। यही अगर मेन वजह है दुनिया में क्राइम बढ़ते जाते, अगर हमन ऐसे रहो ना तो एक हमारी जिंदगी और पीछे जाही। अगर हमन चाहो ना, मुट्ठी बांधो ना, सब कुछ ठीक हो जाही। लेकिन सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। बोलते आदमी पागल हो गए, गलत बात। आदमी पागल नहीं होए, बोला पागल बनाए जाते, बोला औता ना मारते, औता ना मारते, बाकी आदमी पागल बन जाए। जो आदमी नीचे तरह और नीचे दिखाया जाए, काबर ये हमारी इंसानियत नो है, हमारी इंसानियत कुछ और है। दुख की बात तो है, इंसान इंसान के दुश्मन है। यहाँ माचिस की जरूरत नहीं पड़े, आदमी आदमी जल थे। आज कुछ करे बार जाबे तो पहले का है ये पूछते, का करे से ये पूछते, ये नहीं देखे कि वो मेहनत का करता थे। गुस्सा ये पास नहीं है कि हमन कुछ नहीं है, हमारा मौका नहीं दिस, हमन कुछ करे बराहन, पर कुछ कर नहीं पाए। काबर कभी नहीं सोचे इसके कुछ कर पाई, कुछ आगे बढ़ पाई। मेन बात मौका के है, एक बार हमारा मौका मिल जाए ना, हमन कुछ करके दिखा सकते हैं। जय जवाहर।